वेलकम टू माई चैनल मिस्टर संजय मैक्स। और आज के टॉक शो के मेहमान हैं तुलिका दास, जो एक मशहूर सिंगर, डांसर और एक्टर है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में, उनके करियर, उनके जर्नी के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्ते, वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू। और बताइए आप कहाँ से, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हो जाए। तो आपका गुवाहाटी से इंडिया को टैलेंट में जाना कैसा सफ़र, कैसा शुरुआत हुआ? सफ़र एक एक्चुअली ये अचानक से आया। लाइक मैं घर पे थी और कुछ काम, मतलब छोटा मोटा तो काम रहते ही है हम लोग का गुवाहाटी पे। तो अचानक से एक कॉल आया कि एक ग्रुप है विच नेम इज़ नॉर्थ ईस्टर्न क्रॉनिकल्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न क्रॉनिकल्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे बोला गया कि कैन यू ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन किया, फिर बॉम्बे में गई। तो वहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि एक हमेशा एक सिंगर के लिए मतलब एक सपना रहता है कि बॉम्बे कब जाऊँगी। तो मेरा एक सपना था कि बॉम्बे जाऊँगी तो मतलब घूमने के लिए नहीं जाऊँगी, कभी काम करने के लिए। बॉम्बे गई तो बॉम्बे में ऐसा हुआ कि ट्रेन से उतरी प्लेटफॉर्म पे एंड प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट फिल्म सिटी, जो मतलब सबका सपना होता है कि फिल्म सिटी देखने के लिए। और अचानक से मतलब बॉम्बे पे लैंड होके फिल्म सिटी जाना, इट्स लाइक ड्रीम। या इट्स लाइक ड्रीम, मैंने बहुत का चाहत होता है, बहुत का सपना होता है कि जो भी यहाँ पे स्टेट लेवल में जो भी सिंगर, एक्टर, जो भी हो, मगर मुंबई में फिल्म सिटी में डायरेक्ट जाना वो एक सौभाग्य का बात होता है। तो आपका उसमें सेमीफाइनलिस्ट तक थी। मतलब हम लोग का जो बैंड था नॉर्थ ईस्टर्न क्रॉनिकल्स, वो मतलब नॉर्थ ईस्ट का पहला बैंड होगा जो मेगा मतलब मेगा ऑडिशन पे हम लोग ने गोल्डन बजर पूछा था। तो गोल्डन बजर मींस इट्स लाइक ह्यूज वन। हाँ, तो इट्स लाइक ह्यूज वन, लाइक गोल्डन बजर। उसमें आपका रिएक्शन, उस आपको वो सिनेरियो में आपका जो रिएक्शन था उससे पता चलता है आपका जो सपना बहुत साकार हो गया, सपना एक ड्रीम कम ट्रू। एक्चुअली वो अचानक से रिएक्शन आया, लेकिन जब पता तो नहीं चलता है ना, जब टेलीकास्ट होता है उसके बाद पता चलता है कि ओ माय गॉड ये रिएक्शन दिया था, मैंने ये रिएक्शन दिया था, लेकिन तब मुझे नहीं मालूम था। और ऐसा और भी एक रिएक्शन था कि जो मतलब टेलीकास्ट पे नहीं आया, थैंकफुल टू द एडिटर्स ऑफ कलर्स कि मतलब जब सारे गोल्डन बजर जीतने के बाद सब लोग मतलब करण सर के पास, मलाइका मैम के पास सब लोग दौड़ के गए थे हग करने के लिए, और मैं दौड़ी रही थी लेकिन ऑन स्टेज में गिर गई थी। ओके, थैंक गॉड वो नहीं हुआ, थैंक्स टू द एडिटर ऑफ इंडिया गॉट टैलेंट। ओके, उसके बाद आपका सफर फिर कहाँ हुआ? कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न क्रॉनिकल्स अभी हाल ही में हुआ था ना, जो 2018 पे हुआ था। okay, लेकिन वो ग्रुप का और आगे कुछ नहीं, वो हम लोग ने ऐसा प्लान किया था कि ग्रुप रहेगा तो नॉर्थ ईस्टर्न क्रॉनिकल्स, वो इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए ही बनाया गया था। फिर आफ्टर दैट व्हेन वी कंप्लीटेड द शो, देन आफ्टर दैट इट्स लाइक एवरीबॉडी इज वर्किंग, लेकिन अभी सब अलग अलग। ओके, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है जिसमें फिर से कुछ ऐसा दिन आ सकता है जो फिर से वो ग्रुप फिर एक पक्का लाइक एवरीवन इज हैविंग कन्वर्सेशंस, गुड कन्वर्सेशंस। और जितने सारे लड़के हैं जो म्यूजिशियंस हैं अभी फिलहाल, वो लोग मेरे साथ बजा रहे हैं एज अ टीडी बैंड। तो आई होप इन फ्यूचर पे कुछ काम होगा। ओके, और आपने सुशांत सिंह राजपूत जी, जो अभी हम लोग का बहुत फेवरेट एक्टर था, जो कुछ वजह से अभी इस दुनिया में नहीं, उसके लिए भी आपने एक ट्रिब्यूट दिया था जो बहुत सुंदर, जो गाना वो बहुत लोगों ने पसंद किया यूट्यूब में, तो उसका बारे में आपको कुछ कह सकते हैं? आपका फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इज माय फेवरेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड। और जब सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में नहीं थे, लाइक ही वॉज इन जी टी वी पवित्र रिश्ता, तब से मेरा फेवरेट है और क्रश था एक, मतलब बॉलीवुड क्रश। तो जब मुझे ये पता चला कि मतलब ये मतलब हाँ, तो बहुत ख़राब लगा। और उसी टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मम्मी ने मुझे बोला था कि व्हाई डोंट यू मेक अ कंपोजिशन। तो जब कंपोजिशन किया तो मेरा एक होता है कि मतलब कुछ भी मूड हो तो मूड के हिसाब से कंपोजिशन होता है। और उसी टाइम पे जिस दिन मैंने ये कंपोजिशन बनाया, तब हम लोग का घर पे जो बैल्कनी रहता है ना, जो बैल्कनी पे ऐसे मतलब लेट हुई थी तारे को देखते, और मुझे कंस्टेलेशन तारे वगैरह वो देखना बहुत पसंद है, तो वो तारे देख देख के मैंने ये कंपोजिशन बनाया था। तो
बातें कही थी फिर जाने वो सपने हजारों फिर चल दिए वो अनजाने थे फिर भी पहचान है वो जाने कहां है फिर दिल में है वो सो मच बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। और तुलिका जी अभी तक आपने कब से शुरू किया गाना में आप इस प्रोफेशन में सिंगिंग प्रोफेशन म्यूजिक में म्यूजिक पे मैंने एक्चुअली जब मैं 3 इयर्स की थी तो तब से मेरा म्यूजिक चालू था और मेरा पहला गुरु मेरा पापा था और पापा ने हमेशा मुझे हारमोनियम पे सिखाया कुछ भी मतलब हम लोग अभी पंजाब गीत हो विष्णु राभा गीत हो या ज्योति प्रसाद अग्रवाल का गीत हो तो सबका गीत मुझे कीर्तन हो भजन हो तो पापा इज़ लाइक माय फर्स्ट गुरु एंड आफ्टर दैट व्हेन ही केम टू नोटिस दैट ओ शी कैन बी अ गुड सिंगर तो उसके बाद मुझे म्यूज़िक स्कूल पे एडमिशन दिया और मैंने इशारत कम्प्लीट किया मास्टर्स कम्प्लीट किया फिर उसके बाद अभी लेकिन प्रोफेशनली मैंने 2012 से स्टार्ट किया आफ्टर कॉलेज मैंने स्टार्ट किया। आपका सारे आई थिंक आप जितने भी गाने गाती हो उसमें आप खुद एक्ट करते हो। ये मेरा एक लाइक होता है ना ड्रीम के बाहर जैसे हॉलीवुड में होता है कि लाइक सिंगर्स को डांसर्स भी है एक्टिंग भी करते हैं तो मेरा ये एक ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू बी मेरा फेसबुक का प्रोफाइल भी आपने देखा होगा तो फेसबुक का प्रोफाइल भी ऐसा है कि तुलिका द सिंगर डांसर एक्टर तो मैं वो वाला मेंटेन करती हूँ कि सिंगर डांसर और मतलब बचपन से एक था कि जैसे माइकल जैक्सन वो खुद डांस करता है एक्टिंग करता है सिंगिंग करता है तो ये वाला मतलब मैंने एक्चुअली हॉलीवुड से कैप्चर किया था कि मुझे भी ऐसा ही बनना है कि लोग मुझे एज अ नॉट एज अ सिंगर पहचाने लेकिन एज अ डांसर एज अ एक्टर के हिसाब से भी जाने। आप 2012 से अब तक कितना एल्बम आपने बनाया होगा? अभी तक मैंने अभी हाल ही में जो रिलीज़ हुआ मतलब एक कोविड के ऊपर गाना किया था हसीनी सॉन्ग पृथ्वी रुखा तो अभी तक मैंने जितना किया मेरे खुद का प्रोजेक्ट के हिसाब से 17 सॉन्ग्स आए हैं और बाकी किसी मतलब किसी किसी का प्रोजेक्ट पे गाना गाया। जुगिंदा के साथ आपने एक गाना गाया जो डॉक्टर वेद बरुआ से जो पहले पुराना और वर्जन से रिमेक हुआ था तो उसके बारे में एक्चुअली वो मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है। जुगिंदा ने अचानक से मुझे कॉल किया और कॉल करके बोला कि तुम स्टूडियो में आओ एक गाना गाना है। मुझे लगा कि कोई म्यूजिक वीडियो होगा लेकिन जब मैं स्टूडियो पे गई और बैठी हुई थी और अचानक से जुगिंदा ने मुझे गाना सुनाया और मुझे पता चला अरे ये वाला गाना तो बहुत पुराना है लाइक इट्स डॉक्टर वेद बरुआ का रिमिक्स सॉन्ग। तो निपुण दा ने एक्टिंग किया था तब अभी सिद्धार्थ गोस्वामी जो निपुण दा का बेटा है सन है तो सिद्धार्थ एक्टिंग कर जनरेशन चेंज हो गया। हाँ तो इट्स अ रिमिक्स सॉन्ग ऑफ फुल 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 तो ऐसे सिंगर है आप तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो गाना का थोड़ा कुछ पंक्तियाँ हो जाएगा हाँ बढ़िया। उसके बाद आपका फैमिली यहाँ पे सब है मतलब पापा का तो देहांत हो गया लाइक 2019 पे और अभी फिलहाल मम्मी मेरे साथ रहता है और भाई छोटा है। अभी ऐसे COVID-19 के सिचुएशन है तो उसमें थोड़ा प्रोजेक्ट उसके बाद ये सिचुएशन जैसे हो जाएगा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके हाथ में वो थोड़ा सिचुएशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग होल पे पेंडिंग में है क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग प्रोजेक्ट करना भी चाहते हैं फिर भी मतलब सर्कमस्टेंसेस मिल नहीं रहे लेकिन आई होप लोगों को ये भी पता चले कि हम लोग मतलब किस दौर से गुजर रहे हैं ना तो लेट्स होप फॉर अ गुड डेज एंड वी कैन कम अप विद समथिंग न्यू ना। लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही हूँ अभी ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन में आदमी को अभी जो माइंड डिस्टर्ब होके बैठा हुआ है कोई कोई तो उनको इंटरटेन भी करवाना है। हाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मैं लोगों को मतलब बोलती भी हूँ और इस वीडियो के जरिए से भी मैं बोल सकती हूँ कि एक्चुअली लोगों को मतलब
डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बी पॉजिटिव. ऐसे दिन आते हैं, कभी कभी हम लोग बुखार भी होते हैं, कभी कभी घूमते भी जाते हैं. तो सोच लीजिए कि अभी मतलब सिचुएशन का थोड़ा बुखार चल रहा है और कुछ नहीं. थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए. बहुत दिन से लग रहा था मगर आपके वीडियो मैं भी टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन हाँ मतलब एक्चुअली सिचुएशन भी ऐसा हो गया है ना कि चाहने से भी मतलब कभी कभी टाइम नहीं होता है. लेकिन फाइनली थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड बात करके अच्छा लगा. बहुत दिनों के बाद मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया तो वो भी अच्छा लगा. दिस इज द चैनल मोटिव ना कि जो भी आसाम के या फिर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के मीनिंग सिंगर हो, एक्टर, चाहे जो भी लाइन का आर्टिस्ट हो, उनको एक्सप्लोर करना है अलग स्टेट में. तो ये है मेरा मोटिव. तो इसके लिए मैं कोई कोई व्यूअर कमेंट भी करते हैं कि आप हिंदी में क्यों लेते हो, आप आसामीस में क्यों लेते नहीं. तो मेरा मोटिव ये है, आसामीस में तो सबका इंटरव्यू आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल को भी एक्चुअली एसएमएस पे एसएमएस लैंग्वेज पे हम लोग तो इंटरव्यू देते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी बोलने में मतलब ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है इंटरव्यू में. तो इसके लिए मैं हिंदी में लेता हूँ ताकि आसाम का जितना भी आपका आर्टिस्ट है सबको एक्सप्लोर हो और इवन नॉर्थ ईस्ट वालों को भी पता चले कि नॉर्थ ईस्ट वाले सब लैंग्वेज बोल सकते हैं. हाँ, या दैट इज द मेन थिंग. लोगों को शायद पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वालों के पास टैलेंट बहुत ज्यादा है. टैलेंट बहुत है, आप देख सकते हो एक आसामी सिंगर, एक आसामी लड़की हो के कितने अच्छे हिंदी बोल सकते. फिर भी लोचा है मेरा हिंदी, अभी भी लोचा है. एंड थैंक यू सो मच संजय फॉर कॉलिंग मी. लेकिन ऐसा होता है कि आपने जो मतलब अभी ये इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया है यूट्यूब में, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जिन लोगों को लोग पता भी नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं, और आपके जरिए लोगों को पता चलेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, कितना काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नेम इज संजय मैक्स. आई कैन शेयर एंड आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो. फिलहाल के लिए बस इतना ही. आज के टॉक शो के मेहमान थे चुलिका दास जी, जो आसाम इंडस्ट्री के बहुत मशहूर एक्टर, सिंगर एंड डांसर हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मेरा और चैनल में और बहुत आर्टिस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू.